पाकिस्तान की घरेलू सियासत में घिरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ गई है। एक बार फिर से अमेरिका ने इमरान की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा है कि उसने अपने जमूरों पर कार्रवाई नहीं की है। अगर इमरान खान ने इसको लेकर संजीदगी नहीं दिखाई तो अमेरिका को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। अमेरिका द्वारा जारी एक रिपोर्ट में जिस प्रकार पाकिस्तान को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और उसे सख्त संदेश दिया गया है, उससे इमरान खान की बेचैनी बढ़ गई है, जिसके बाद अब उन्हें फिक्र हो रही है कि अमेरिका पाकिस्तान में सीधे कोई कदम तो नहीं उठाने जा रहा है। जब से अबू बकर बगदादी का किस्सा निपटा है, अमेरिका की निगाहें तभी से पाकिस्तान पर टिक गई है। ऐसा संकेत भी वह अब बार बार दे रहा है कि पाकिस्तान में पल रहे जमूरों को निपटाने के प्रति अब अमेरिका खुद पहल कर सकता है। दरअसल इराक सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को प्रोत्साहित करने से ट्रंप चिंतित हैं। अमेरिका द्वारा आर्थिक और सैन्य मदद रोके जाने के बाद भी पाकिस्तान ने आतंकियों पर ठोस कार्रवाई नहीं की है। अमेरिका द्वारा रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि एलईटी और जेईएम जैसे समूह के खिलाफ पाकिस्तान ने कोई कदम नहीं उठाया है। यहां पाक फौज द्वारा उनको प्रशिक्षण देने का काम बदस्तूर चल रहा है, इनका पोषण भी हो रहा है। प्रशिक्षण में सक्रिय है यह जमूरे भारत और अफगानिस्तान में सेना और नागरिकों को लगातार निशाना बना रहे हैं। खासतौर से भारत को इन संगठनों से जूझना पड़ रहा है। अमेरिका ने भारत की बेचैनी को जायज ठहराते हुए कहा है कि पाकिस्तान इन संगठनों को आर्थिक मदद तुरंत रोके, अन्यथा अमेरिका अपने स्तर पर खुद भी किसी बड़ी कार्रवाई को शुरू कर सकता है। गौरतलब है कि कश्मीर में पुलवामा की घटना के बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने पहली बार कबूल किया था कि उनके देश में ऐसे संगठन सक्रिय हैं। तब यह कबूलनामा इमरान खान को भारी पड़ता जा रहा है। हालांकि पाक सरकार और सेना की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई का दावा भी किया गया है, लेकिन अमेरिका की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दिया गया है। जानकारों के अनुसार अमेरिका पाकिस्तान में अपनी कार्रवाई को अमली जामा पहनाने के लिए दुनिया में ऐसा माहौल तैयार कर रहा है जिससे उसके पक्ष में बाकी मुल्क भी खड़े हो सके। अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी बेस से ऐसी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अमेरिका का लक्ष्य हाबिज सईद जैसे वे जमूरे हैं जिन्हें वैश्विक आतंकी घोषित किया गया है। अमेरिका की तरफ से भी हाबिज पर $1 करोड़ का इनाम रखा गया है। खास बात यह है कि अमेरिका इससे पहले भी पाकिस्तान के हिस्से वाले वजीरिस्तान में तालिबान पर ड्रोन से अटैक करता रहा है, लेकिन इस बार अमेरिका वजीरिस्तान की सीमा को पार करने की कोशिश में है। अमेरिका की नजर अब आतंकियों को प्रशिक्षण देने वाले पाकिस्तान पर टिकी है। रिपोर्ट में साफ है कि पाकिस्तान जिस प्रकार इन जमूरों को खाद पानी दे रहा है उससे अमेरिका की बोहे तन चुकी है। इमरान खान अमेरिका की मंशा जानकर सख्ते में है। इमरान की बड़ी मुसीबत यह भी है कि अमेरिका ने भारत में मौजूद माओवादियों के बारे में भी बड़ा खुलासा किया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि पाकिस्तान के संगठनों का माओवादियों से भी गठजोड़ है। यानी इमरान खान जिस हिंदू आतंक की बात करके भारत को घेरने की योजना बना रहे थे, अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में उस विचार को तार तार कर दिया है। इमरान खान एक तो पहले ही फजलू के आजादी मार्च से घिरे हुए थे, अब यह नई मुसीबत उनके सिर पर आ पड़ी है। अमेरिका ने जिस तरह उन्हें अल्टीमेटम दिया है उससे बच पाना उनके वश में नहीं है, क्योंकि यह एक पूरा तंत्र है जिसे पाक फौज के द्वारा संचालित किया जाता है। पाकिस्तान के किसी भी नेता में इतनी ताकत नहीं है कि वह सेना के काम में हस्तक्षेप कर सके। ऐसे में राजनीतिक तौर पर कमजोर हो चुके इमरान खान केवल बचने के रास्ते तलाश कर सकते हैं। वह अमेरिका के सामने बहानेबाजी या खोखले दावे तो करेंगे, पर अपने जमूरों पर कोई कठोर एक्शन लेंगे यह नामुमकिन है। पर अमेरिका को वह ऐसा करने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि बगदादी के बाद अगला नंबर इस्लामाबादी का है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।